हे एवरीवन, वेलकम टू बुंदेलखंड सिस्टर्स। और आज बना लेते हैं क्रीमी एग रोल। तो डो रेडी करने के लिए मैंने लिया है, ये है 3 कप है इसका मेजरमेंट, यानी कि 2.5 कप मैंने मैदा लिया है और 1/2 कप आटा। इसमें ले लीजिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट और इसमें थोड़ा सा तेल 2 चम्मच के आसपास, और इसका एक सॉफ्ट डो पानी की मदद से हमको तैयार कर लेना है। पानी मैंने ज़्यादा लिया है। तो ये आटा हो गया है रेडी, इसको रख दीजिए 10-15 मिनट रेस्ट के लिए। तब तक हम फिलिंग और अपनी सॉस रेडी कर लेंगे। अब ऐड करिए 1 चम्मच के आसपास तेल, और जब तेल हल्का सा गर्म हो जाएगा इसमें मिलाएंगे प्याज। अब मैं इसमें डालूंगी प्याज, और जब प्याज हल्के सी हो जाएगी, ज़्यादा हमें पकाना नहीं है, हल्का सा क्रिस्पी चाहिए है, तब इसमें ऐड कर देंगे हरी शिमला और फिर बंद गोभी। अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें शिमला, बिल्कुल बारीक बारीक मैंने पतला पतला काटा है। अब इसमें ऐड कर दीजिए अपना गोभी, इसको हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का ही क्रिस्पी सा रखना है। अपने बंद फोर्ट थोड़ा सा इसमें सॉल्ट डालिए, क्योंकि आटे में भी सॉल्ट है, तो अंडा बनाएंगे हम उसमें भी सॉल्ट रहेगा। थोड़ा सा ऐड कर दीजिए सीजनिंग और इसको अच्छे से चला लीजिए, थोड़ा सा और हो जाए तो। गाइस, मेरे वीडियोस को पसंद करने के लिए थैंक यू सो मच, चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। ऐसे ही अपना प्यार मेरे वीडियोस को बुंदेलखंड सिस्टर्स को देते रहिए। तो ये फिलिंग मैंने निकाल ली है, अब बना लेते हैं अपनी सॉस। सेम पैन में ही मैं ले रही हूँ 1 चम्मच के आसपास बटर है ये, और उसमें मैं लूँगी 2 चम्मच मैदा वाइट सॉस के लिए। इसे नॉर्मल हम बनाते हैं इस तरीके से, ये हल्का, अभी ज़्यादा गर्म में डालिए भी मत, वरना एकदम से बटर जलेगा, मैदा जलेगा, ये धीरे धीरे पिघल जाएगा। तो 1 चम्मच है बटर, 2 चम्मच है मैदा, और आप इसमें डाल दीजिए 1 गिलास के आसपास दूध। इसको चलाते रहिए धीरे 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 डालकर। आप ऐड कर दी थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ी सी चीनी, और इसको अच्छे से मिला लीजिए। देखिए ये हो गई, ये गाढ़ी है, हमें थोड़ा सा गाढ़ी ही चाहिए, पतली नहीं, इतना काफ़ी है। गैस बंद कर दीजिए, रख के थोड़ी और गाढ़ी होगी। तो ये आटे को भी 10-15 मिनट हो गए हैं, एकदम सही है ये। अब इसके पराठे रेडी कर लेंगे। थोड़ा सा इसको हाथ से एक बार और कर लीजिए। पार्ट कर लीजिए। अब थोड़ा सा इसमें तेल लगा लीजिए, इसको अच्छे से हमको बेल लेना है। इस तरीके से कोने कोने पे ये आराम से बेल जाएगा। अब हमें इसको सेक लेना है पराठे को, तरीके से। नॉन स्टिक है तो तेल कम लगेगा, नॉर्मल पैन है तो उसमें ज़्यादा लगेगा। तो एक साइड से जैसे होगा ऐसे दूसरे साइड भी रखिए, और इसको सेकना है नॉर्मल, हम जैसे पराठा सेकते हैं ना, वैसे ही इसको दोनों तरफ से सेकना है। ये देखिए अच्छे से हो रहा है, जलिएगा नहीं, आराम से। तो ये पराठे हमारे रेडी हो गए हैं, अब बना लेते हैं ऑमलेट। 2 अंडे लिए हैं मैंने, इसमें मिलाऊंगी मैं नमक और अपनी लाल मिर्च, ये मैं कश्मीरी मिर्च लिए। आइए सर, डालिए रिफाइन, अब इसमें डालिए ऑमलेट, अब रखिए इसमें पराठा, और इसको दोनों साइड से अच्छे से सेक लीजिए। इस तरीके से रोल इज रेडी। ये देखिए, अब हम इसमें कर देंगे अपनी स्टफिंग। जो सॉस हमने बनाई थी पहले वो लगा दीजिए, आप इसमें रख दीजिए अपनी स्टफिंग तरीके से। अब इसको कर दीजिए रोल इस तरह से, ये देखिए ये रहा
ये जो गिर रहा है इसको अंदर कर लीजिए। ये देखिए एकदम क्रीमी एग रोल हो गया है रेडी। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।